तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आपका सबसे अच्छा साल जाए और आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल बनी रहे। तो इस वीडियो में भी मैं आपको काफी इंटरेस्टिंग न्यूज देने वाला हूँ, तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रैपर के बारे में बताने वाला हूँ जिनका नाम है इंडियन डेंटिस्ट रैपर, और इनका अभी अभी एक गाना आया हुआ है जिसका नाम है दिस ईयर। और ये पहले रैपर है जो की डेंटिस्ट भी है कैलिफोर्निया यूएसए में, और इनके सॉन्ग मीम मशीन के साथ भी आने वाले हैं। तो प्लीज चेक करो और सब्सक्राइब करो भाई को, क्योंकि बहुत सारे सॉन्ग आने वाले हैं 2021 में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहली जो न्यूज आ रही है वो आ रही है रॉप्सी की तरफ से। रॉप्सी का एक गाना रिलीज हुआ है आज जिसका नाम है वेलकम टू माय लाइफ, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगली जो न्यूज है वो आ रही है पुलिस वाला रैपर जीवन की तरफ से, तो इनका भी एक गाना रिलीज हुआ है जिसका नाम है गुड वाइब्स, तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगली जो न्यूज है वो आ रही है बाली की तरफ से, तो बाली 47 और बादशाह का जो सॉन्ग है हॉट लॉन्डे उसकी रिलीज डेट पता लग चुकी है, और जो कि कल ही हमको देखने के लिए मिलने वाला है। और साथ ही बाली ने अपने इंस्टाग्राम पे एक Q&A रखा था जिसमें कि किसी ने पूछा हुआ था ईपी में कितने गाने हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने लिखा हुआ था 5 भयंकर ट्रैक्स। अगली जो न्यूज है वो आ रही है लोका की तरफ से, तो लोका ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली जिसमें कि उन्होंने लिखा हुआ था बहुत अच्छा लग रहा है नकलियों को चुप करा के, और जो जैसा है उसको वैसा ही देके उसका सीन खत्म करके इस साल के साथ बहुत मजा आ रहा है। दिस ईयर आई वांट फोकस ऑन सच आर्टिस्ट एंड जस्ट कीप माय हसल एंड ग्राइंड ऑन। अगली जो न्यूज है वो आ रही है कर्मा की तरफ से, तो कर्मा और रफ्तार का एक गाना रिलीज हुआ है जिसका नाम है बिलीव, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये सॉन्ग उन्होंने रिलीज किया फिर उसको हटा दिया था, और रफ्तार ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली हुई थी जिसमें कि उन्होंने लिखा हुआ था मास्टर गलत था, बहुत अजीब गाना है, माफ करना री अपलोडिंग, और इसके बाद उन्होंने फिर से इसको अपलोड किया था। साथ ही इसी सॉन्ग पर जो इक्का पाजी है उन्होंने रिएक्ट करते हुए इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली जिसमें कि उन्होंने लिखा हुआ था ये गाने दिल पे छप जाते हैं जब दिल खोल के लिखे गए हों। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो इक्का पाजी है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक और स्टोरी डाली हुई थी जिसमें कि उन्होंने लिखा हुआ था 2021 एक नहीं दो एल्बम, तो यहाँ पर दो एल्बम हमको इस साल देखने के लिए मिलने वाली है इक्का पाजी की। तो अगली जो न्यूज है वो आ रही है रफ्तार की तरफ से, तो रफ्तार ने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज डाली हैं उन्होंने हैप्पी न्यू ईयर विश करते हुए, तो आप खुद सुन सकते हो उन्होंने क्या कहा हुआ है। सो फाइनली 2020 खत्म हो रहा है, मतलब कि काफी परेशानी भरा साल, बहुत कुछ देखा हम लोगों ने, बहुत कुछ सहा हम लोगों ने, सबकी अपनी अपनी तकलीफें रही हैं, बट 2021 वाट लगा देने इस साल के एक साथ। ओके, यू हैव टू बी वन, यू हैव टू बी सेंसिबल, एंड वी हैव टू टेक ओवर 2021 मैन। आई एम विशिंग एवरीबॉडी अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, खुश रहो, हेल्थ और हेल्दी माइंडसेट बहुत जरूरी है, और आपको वो सब मिले, भर के मिले, और खुशियां भी। शुक्रिया। साथ ही रफ्तार ने एक कमेंट किया हुआ था, एक पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल था उसने रिएक्शन वीडियो बनाई हुई थी रफ्तार कर्मा और सलीम मर्चेंट का जो सॉन्ग था तू फिर से आना, उसमें उन्होंने सलीम मर्चेंट के बारे में गलत बोला हुआ था, तो उसी पर जो रफ्तार हैं उन्होंने एक कमेंट किया हुआ था जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था आई रिस्पेक्ट योर व्यूज एंड ओपिनियन बट सलीम भाई इज अ लिविंग ब्रीथिंग लीजेंड, नहीं जानते थे तो बोल दिया एंड इट्स अ फाइन, बट अब एक बार थोड़ा उनके बारे में जरूर पढ़ना, शुक्रिया। साथ ही जो कलमकार का इंस्टाग्राम पेज है उसने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो शेयर की हुई है जिसमें कि मतलब कि 2020 के सभी गाने हैं, और उस पे लिखा हुआ है 45 प्लस रिलीजेस, 65 मिलियन प्लस वीडियो व्यूज, इंडिपेंडेंट हिप हॉप मोर इन 2021, और साथ ही उसके कैप्शन में लिखा हुआ था अनस्टॉपेबल लिमिटलेस इंडिपेंडेंट दिस इज कलमकार। तो अगली जो न्यूज है वो आ रही है चैनके की तरफ से, तो चैनके ने अपने इंस्टाग्राम पे एक Q&A रखा था जिसमें कि किसी ने पूछा हुआ था डू यू हेट इंडिया, जिसके रिप्लाई में चैनके ने लिखा हुआ था नहीं यार प्रॉमिस मेरे ट्वीट देख लो पुराने, तो इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगली जो न्यूज है वो आ रही है ब्रदरवी की तरफ से, तो इन्होंने भी अपने इंस्टाग्राम पे एक Q&A रखा था जिसमें कि किसी ने पूछा हुआ था व्हाट द नेम ऑफ योर नेक्स्ट सॉन्ग, तो इस पे उन्होंने लिखा हुआ था आराम। अगली जो न्यूज है वो आ रही है एमिवे की तरफ से, तो एमिवे का सॉन्ग रिलीज हो चुका है जिसका नाम है रॉयल रंबल, अगर आपने अभी तक नहीं सुना तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अगर आपने सुन लिया है तो नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये सॉन्ग कैसा लगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया में तो ट्रेंड कर ही रहा है, साथ ही वर्ल्ड वाइड भी ये ट्रेंड कर रहा है। तो अगली जो न्यूज है वो आ रही है एमसी स्टैन की तरफ से, तो एमसी स्टैन का जो तड़ी पार सॉन्ग है वो रिलीज हो चुका है, और ये भी मतलब कि यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा है, इस सॉन्ग की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस सॉन्ग में एमसी स्टैन बोलते हैं कि उन पे एक हमला हुआ था और वो शायद एमवी के फैन थे या फिर अपोजिट गैंग। इंस्टाग्राम पे एक पेज है हुडवाली बातचीत करके जिन्होंने मतलब कि क्लियर बताया हुआ है कि जो एमवी का रॉयल रंबल सॉन्ग है और एमसी स्टैन का जो तड़ी पार सॉन्ग है उसकी मतलब कि वीडियो क्लिप लगा के आप खुद देख सकते हो। आके तेरे घर के बाहर भेजू मैं सारे मेरे लड़के चार बहुत। तो इस सब पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।